गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज कविता चौधरी फ्रॉम सुमिता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी इन क्लास फोर। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी आपका हिंदी का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, शेर चिल्ली का सपना। सबसे पहले तो हमने इस पार्ट को पढ़ा था, उसके बाद हमने इस पार्ट के जो है प्रश्न उत्तर हल किए थे। आज की क्लास में हम जो है बाकी के जो बच्चे हुए प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके क्या उत्तर हैं वो जानेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली क्लास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ये प्रश्न पढ़े थे, जिसमें हमने प्रश्न पढ़ा था, पहले मौखिक प्रश्न थे फिर लिखित प्रश्न थे, जिसमें मौखिक प्रश्न था क कि परेशान हालत में खड़े शेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा। तो हमने इसका उत्तर लिखा था कि परेशान हालत में खड़े शेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि यदि वह अंडों के स्टोगरे को उसके घर तक पहुंचा देगा तो वह उसको 2 अंडे देगा। उसके बाद ख प्रश्न हमने पढ़ा था कि शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था। तो हमने उत्तर लिखा था कि शेख चिल्ली मेहनत करने से नहीं घबराता था। उसके बाद ग प्रश्न हमने पढ़ा था कि बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था। तो इसका उत्तर हमने लिखा कि बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली जो है महल बनवाकर शादी करना चाहता था। फिर ग प्रश्न था कि शेख चिल्ली क्यों रो रहा था। तो हमने इसका उत्तर लिखा कि शेख चिल्ली इसलिए रो रहा था क्योंकि सारे अंडे जमीन पर गिर जाने से उसके सारे सपने जो है मिट्टी में मिल गए थे। अब ये हो गए थे मौखिक प्रश्न। फिर लिखित प्रश्न था जिसमें क प्रश्न दिया, हमसे पूछा गया था कि शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा। तो हमने उत्तर लिखा था कि शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा कि अब वह बड़ा हो गया है अतः उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए। फिर इसके बाद ख प्रश्न था कि सेठ ने किस बात पर शेख चिल्ली सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने जो है टोकरा सिर पर रख दिया। तो सेठ ने क्या बात कही थी। सेठ ने बोला था कि 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। सेठ की यह बात सुनकर शेख चिल्ली ने जो है टोकरा अपने सिर पर रख लिया। अब गह है कि शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा। तो हमने उत्तर लिखा कि शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में सोचा कि इन 2 अंडों से तो उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। और उसके बाद गह प्रश्न है सेठ जो है शेख चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया। तो हमने उत्तर लिखा था कि सेठ शेख चिल्ली से गुस्सा इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसने अंडों से भरा टोकरा जमीन पर गिरा दिया था और जिससे कि सारे जो अंडे थे वो टूट गए थे। तो ये हो गया। अब आज हम पढ़ेंगे, ये तो हमारे पिछले प्रश्न हो गए। अब आज की क्लास में हम कौन से प्रश्न देखेंगे तो देखते हैं, ये हो गए प्रश्न। अब आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 3, पाठ के आधार पर बताओ कि कौन कैसा था। जैसा कि हमने ये पाठ पढ़ा, इसमें हमने 3 पात्र देखे, एक तो शेख चिल्ली की अम्मी, एक दूसरा था शेख चिल्ली और एक सेठ। ये 3 पात्र थे, यानी 3 कैरेक्टर्स थे। अब हमें बताना है जो कि कौन कैसा था, शेख चिल्ली की क्या मतलब शेख चिल्ली का स्वभाव कैसा था, सेठ का स्वभाव कैसा था और जो शेख चिल्ली की अम्मी है उनका स्वभाव कैसा था। तो आप लिखेंगे प्रश्न 3 और अपनी कॉपी में पाठ के आधार पर बताओ कौन कैसा था। उसके बाद अम्मी लिखेंगे, एक नंबर लिखकर सबसे पहले लिखेंगे अम्मी। तो हमें क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। तो अम्मी लिखेंगे उसके बाद हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो अम्मी का स्वभाव कैसा था, तो हम लिखेंगे कि वे बहुत ही सरल स्वभाव की और नम्र स्वभाव की महिला थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे वे बहुत सरल और नम्र स्वभाव, यानी नम्र यानी पोलाइट स्वभाव था उनका, बहुत ही अच्छा स्वभाव था, नम्र स्वभाव की महिला थी, नम्र स्वभाव की महिला थी। नम्र स्वभाव की महिला थी और हम क्या लिख सकते हैं, वो कैसी थी, हम ये भी लिख सकते हैं कि वे प्रत्येक बात पर, तो लिखते हैं वे प्रत्येक बात पर, यहाँ कॉमा लगाएंगे उसके बाद लिखेंगे वे प्रत्येक बात पर, वे प्रत्येक बात पर क्या करती थी, शेख चिल्ली को जो है बड़ी शांति से समझाती थी, प्रत्येक बात बड़ी शांति से शेख चिल्ली को, यहाँ लिख देती हूँ, शेख चिल्ली को समझाती थी,
शांति से आपको, और यहाँ लिख रही हो, आपको यहाँ पे नहीं लिखना है ये प्रश्न, किसमें कॉपी में करेंगे। एक चिल्ली को समझाती थी, एक चिल्ली को समझाती थी, तो ये कोई अम्मी की बात, कि जो अम्मी थी यानी शेख चिल्ली की माँ थी, उनका स्वभाव कैसा था। तो हमने लिखा कि वे बहुत ही सरल और नम्र स्वभाव की महिला थी, वे प्रत्येक बात पर बड़ी शांति से शेख चिल्ली को समझाती थी। तो ये लिख लेंगे। उसके बाद हम कौन सा प्रश्न करेंगे, दूसरा। अब हमें बताना कि शेख चिल्ली का जो स्वभाव है वो कैसा है, जो शेख चिल्ली का स्वभाव वो कैसा था। तो हम लिखेंगे कि वह मेहनत से नहीं घबराता था, वह मेहनत से, वह मेहनत से नहीं घबराता था, मेहनत से नहीं घबराता था, परंतु, आगे लिखेंगे परंतु, यहाँ कॉमा लगाकर, परंतु उसे, परंतु उसे ढंग से, यानी अच्छी तरीके से, परंतु उसे ढंग से कोई काम करना, ढंग से कोई काम करना नहीं आता था, परंतु उसे ढंग से कोई काम करना नहीं आता था, ये ना करना नहीं आता था, या नीचे लिख रही हूँ आता था, वह क्या करता था, ख्याली पुलाव बनाता था, वह ख्याली पुलाव, वह ख्याली पुलाव बहुत पकाता था, वह ख्याली पुलाव बहुत पकाता था। अब शेख चिल्ली का स्वभाव कैसा था, तो वह मेहनत से नहीं घबराता था, परंतु उसे ढंग से कोई काम करना नहीं आता था, वह ख्याली पुलाव बहुत पकाता था। तो इसका उत्तर ये हो गया, शब्दों के ऊपर जो है लाइनों को खींचना है। अब अगला है तो शेख चिल्ली का क्या स्वभाव था, कि वह मेहनत से नहीं घबराता था, परंतु उसे ढंग से कोई काम करना नहीं आता था, वह ख्याली पुलाव बहुत पकाता था। अब अम्मी की बात हो गई, शेख चिल्ली की हो गई, अब हम करेंगे सेठ, कि जो सेठ था उसका स्वभाव किस कैसा था। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अगर आप नहीं लिख पाते तो आप, मैंने आपको पहले भी बोला, आप वीडियो को पोस्ट करके अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। अब देखिए सेठ, सेठ का कैसा स्वभाव था, तो जो थर्ड नंबर है हम लिखेंगे सेठ, तो लिखिए सेठ का स्वभाव कैसा था, तो हम लिखेंगे सेठ, सेठ समझदार, सेठ समझदार, और धनवान व्यक्ति था, सेठ समझदार और धनवान, धनवान व्यक्ति था। परंतु बहुत बूढ़ा था, बूढ़ा कैसे पता चला हमें, क्योंकि जब बूढ़ा था तभी तो वो अंडों की टोकरी को लेकर परेशान था, और उसे जो अंडों की टोकरी उठाई नहीं जा रही थी, इसलिए तो उसने शेख चिल्ली को जो है अंडों की टोकरी उठाने के लिए दी थी, परंतु बहुत बूढ़ा था, परंतु बहुत बूढ़ा था, वह सबको, वह सबको नेक सलाह देता था, कैसी सलाह, यानी नेक का अर्थ होता है अच्छी, वह सबको नेक सलाह यानी एडवाइस, सलाह का मीनिंग होता है एडवाइस, सलाह
देता था। तो सेठ कैसा था? सेठ समझदार और धनवान व्यक्ति था, परंतु बहुत बूढ़ा था। वह सबको नेक सलाह देता था। तो ये तीनों प्रश्न हमें करने हैं। अम्मी का स्वभाव कैसा था? तो हमने लिखा वे बहुत ही सरल और नम्र स्वभाव की महिला थी। वे प्रत्येक बात पर बड़ी शांति से शेख चिल्ली को समझाती थी। फिर हमने पढ़ा शेख चिल्ली का स्वभाव। तो शेख चिल्ली कैसा था? वह मेहनत से नहीं घबराता था, परंतु उसे ढंग से कोई काम करना नहीं आता था। वह ख्याली पुलाव बहुत पकाता था। और तीसरा हमने लिखा शेठ। तो शेठ का हमने लिखा शेठ समझदार और धनवान व्यक्ति था, परंतु बहुत बूढ़ा था और वह सबको नेक सलाह देता था। तो ये हो गए हमारे प्रश्न के कौन कैसा था। ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। अब अगला प्रश्न है भाषा को समझे, जिसमें पहला लिखा हुआ है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दे रखी है क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना जो है क्रिया कहलाता है। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में से संज्ञा और क्रिया शब्द को है छाटो, यानी संज्ञा और क्रिया शब्द को हमें क्या करना है, हमें छाटना है। तो पहला हमसे पूछा गया है क, शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था। तो हमें इसमें संज्ञा बतानी है और क्रिया बतानी है। तो हम लिखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा में क्या है? किसी व्यक्ति, व्यक्ति कौन हो गया? शेख चिल्ली। तो हम लिखेंगे संज्ञा शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। उसके बाद आपको और क्या होता है? भाव। सपने क्या होता है? भाव एक तरह, सपने जो होता है वो एक तरह का भाव होता है। तो हम लिखेंगे सपने, शेख चिल्ली व्यक्ति हो गया, भाव हो गया सपने, तो दोनों संज्ञा है। अब क्रिया है क्या? है देखता था। तो हम लिखेंगे क्रिया क्या है? देखता था, देखना। तो हम लिखेंगे देखता था। अब प्रश्न है शेख चिल्ली सेठ के पीछे चलने लगा। तो प्रश्न हमसे पूछा गया कि शेख चिल्ली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा, तो इसमें संज्ञा क्या होगी? एक तो हम लिख सकते हैं सेठ, एक तो शेख चिल्ली लिख देना। मैं यहाँ पे शेख लिख रही हूँ, शेख चिल्ली, ठीक है, नीचे लिख रही हूँ चिल्ली, शेख चिल्ली। और क्या क्या व्यक्ति हो गया? एक सेठ। तो ये हो गई संज्ञा, क्रिया हो गई चलने लगा, क्रिया हो गई चलने लगा। तो ये तो क और ख हमने किए। अब आगे वाले प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, पूछा गया है अंडे जमीन पर गिर गए। प्रश्न है कि अंडे जो है वो जमीन पर है गिर गए। तो हम क्या लिखेंगे संज्ञा में? अंडे। तो वस्तु क्या हो गई? अंडे। तो अंडे, अंडे जमीन, और क्रिया हो गई गिर गए, यानी गिर गए। अब घ है मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। तो क्या हो गया? हाथी, संज्ञा हो गई हाथी, धन, धन क्या है? एक तरह की वस्तु, और कमाऊंगा हो गई क्रिया। तो कमाऊंगा। अब अगला है कमाऊंगा। तो ये थे हमारे संज्ञा और क्रिया, हमें जो है वाक्यों में से छाटनी थी। तो सबसे पहला वाक्य हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा था शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था। तो इसकी संज्ञा थी शेख चिल्ली और सपने, और क्रिया थी देखता था। उसके बाद शेख चिल्ली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा, जिसमें हमने संज्ञा लिखी शेख चिल्ली और सेठ, और क्रिया हमने लिखी चलने लगा। उसके बाद घ था अंडे जमीन पर गिर गए। तो हमने क्या लिखा? संज्ञा लिखी अंडे और जमीन, तथा क्रिया लिखी गिर गए। उसके बाद हमने घ प्रश्न किया मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। तो उसमें हमने संज्ञा लिखी लिखी हमने हाथी धन, और क्रिया हमने लिखी कमाऊंगा। तो ये था हमारा प्रश्न। आप कैसे करेंगे? इसी तरह से आपको अपनी हिंदी के नोटबुक में करना है। एक तरफ पहले वाक्य लिखेंगे, फिर संज्ञा का,
एक साइड संज्ञा है, दूसरी तरफ क्रिया, और जो संज्ञा है उसमें संज्ञा के शब्द लिखेंगे और जो क्रिया है उसमें क्रिया लिखेंगे। अब प्रश्न दो है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर राइट लगाओ। हमें क्या करना है, समान अर्थ वाले शब्द चुनने और उन पर सही का निशान लगाना है। अब अम्मी है, अम्मी का अर्थ होता है दादी, चाची या माँ, तो अम्मी यानी माँ, तो हम कहेंगे अम्मी का जो अर्थ होता है वो माँ। फिर है इंसान, इंसान का अर्थ क्या होता है, मानवता, मनुष्य या लड़का, तो इंसान का अर्थ होता है मनुष्य। उसके बाद है मेहनत, मेहनत का अर्थ क्या होता है, परिश्रम, भाग्य या सफलता, तो हम लिखेंगे परिश्रम। फिर लास्ट है दुनिया, दुनिया का अर्थ क्या होता है, भीड़, लोग या संसार, तो दुनिया का अर्थ होता है संसार। तो प्रश्न दो था कि समान अर्थ वाले शब्द चुनकर राइट का निशान लगाओ। तो अम्मी का अर्थ होता है माँ, इंसान का अर्थ होता है मनुष्य, मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम, और दुनिया का अर्थ होता है संसार। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इस प्रश्न को करना है। अम्मी लिखेंगे, उसके सामने दादी, चाची और माँ लिखेंगे, आगे गोला बनाएंगे और जो सही है वहां पर राइट का निशान लगाएंगे। इसी तरह से इंसान, मेहनत और दुनिया को भी, इन प्रश्नों को भी इसी तरह से करेंगे। जैसे इंसान के आगे लिख दिया मानवता, मनुष्य, लड़का, तो मनुष्य के आगे हमें राइट का निशान लगाना है। उसके बाद मेहनत का परिश्रम, भाग्य, सफलता, तो परिश्रम के आगे हमें राइट का निशान लगाना है। और फिर है दुनिया, तो भीड़, लोग, संसार, तो संसार के आगे हमें सही का जो है निशान लगाना है। अब प्रश्न तीन है, वे वाक्यांश जो भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। यानी मुहावरा किसे कहते हैं, जो कि भाषा को प्रभावशाली बना देते हैं, यानी उस भाषा को बोलने में जो है एक अलग ही तरह की, तक एक अलग ही तरह की भाषा बन जाती है। तो ये अपने शाब्दिक अर्थ से अलग विशेषण देते हैं, यानी इनका अर्थ कुछ और होता है पर इनका विशेष अर्थ कुछ और होता है। तो अब देखिए, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। हमें क्या करना है, कुछ मुहावरे दे रखे हैं और उनके अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। तो देखते हैं, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। क है ख्याली पुलाव पकाना, तो क हमसे पूछा गया है ख्याली पुलाव पकाना, तो ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ क्या होता है, ख्याली पुलाव कौन पकाता था, शेख चिल्ली, तो हम लिखेंगे ख्याली पुलाव पकाना। तो इसका अर्थ होता है खाली बैठे सोचते रहना। इसका क्या अर्थ होता है, खाली बैठे सोचते रहना, खाली बैठे सोचते रहना। तो शेख चिल्ली क्या करता था, ख्याली पुलाव पकाता था, यानी काम ना करकर सिर्फ खाली बैठे सोचता रहता था। अब इसका वाक्य क्या बन सकता है, तो हम लिखेंगे रमेश कुछ काम तो करता नहीं, बस अमीर बनने का ख्याली पुलाव पकाता रहता है। तो हमने कैसे इसका, इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग किया, कि रमेश कुछ काम तो करता नहीं, बस अमीर बनने का ख्याली पुलाव पकाता है। यानी ये देखिए, हमने कहा इस मुहावरे का उपयोग किया, ख्याली पुलाव पकाता है, ये वाला वाक्य, ख्याली पुलाव पकाता रहता है। उसके बाद ख है कलेजा मुंह को आना, यानी जैसे कि कलेजा मुंह को आ गया था सेठ का, नहीं, शेख चिल्ली का, जब उसने जो अंडों की टोकरी को गिरा दिया था, तो हमने लिखा अत्यधिक दुखी होना। तो शेख चिल्ली को जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया था, यानी कि वो अत्यधिक दुखी हो गया था, तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक दुख होना। तो वाक्य हम बनाएंगे, भीषण दुर्घटना में शक्त विशत घायलों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट हो जाता है ना कई बार लोगों का, तो लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चोटें आ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, भीषण दुर्घटना में शक्त विक्षत घायलों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तो हमने यहाँ पर ये वाक्य प्रयोग किया, कलेजा मुंह को आ गया। अब अगला है आग बबूला होना, यानी जो आग बबूला कौन हो गया था, जो शेर था वो अंडों की टोकरी के नीचे गिर जाने से आग बबूला हो गया था, तो हम इसका अर्थ होता है गुस्से से भर जाना, यानी बहुत गुस्सा आना। वाक्य प्रयोग हमने किया कि बेटे की परीक्षा का खराब परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। तो इसका वाक्य प्रयोग हमने क्या लिखा, कि बेटे की परीक्षा का खराब परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए, यानी बहुत ही गुस्से से भर गए। तो आग बबूला जो है, इस मुहावरे का उपयोग हमने वाक्य में किया। तो आप समझ गए कि किस तरह से हमने वाक्य पढ़े और इनका अर्थ जाना। पहला था ख्याली पुलाव पकाना, दूसरा था कलेजा मुंह को आना, और तीसरा था आग बबूला होना। तो इसके अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या था अर्थ, पहला था ख्याली पुलाव पकाना, यानी खाली बैठे सोचते रहना। वाक्य प्रयोग था रमेश कुछ काम तो करता नहीं, बस अमीर बनने का ख्याली पुलाव पकाता रहता है।
फिर ख था कलेजा मुंह को आना यानी अत्यधिक दुखी होना। वाक्य प्रयोग था भीषण दुर्घटना में शक्त विक्षत घायलों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जिस तरह से मैंने इन मुहावरों को लिखा है उसी तरह से आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह लिखेंगे। पहले प्रश्न लिखेंगे ख्याली पुलाव पकाना, तो इसका अर्थ होता है खाली बैठे सोचते रहना। फिर नीचे वाली लाइन में वाक्य लिखकर इसका पूरा वाक्य कैसे बनाया हमने वो लिखना है। फिर अगला था आग बबूला होना यानी गुस्से से भर जाना। तो बेटे की परीक्षा का खराब परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए, ये हमने लिखा। अब देखते हैं पाठ में कुछ और तो नहीं है सवाल। अब यहाँ पर रचनात्मक कार्य है, मैंने एक मजेदार सपना देखा, इस विषय पर अनुच्छेद लिखो, तो ये तो हमें नहीं करना है। और शेख चिल्ली के कुछ अन्य मजेदार किस्से पढ़ो, तो अगर आप कहीं शेख चिल्ली की कोई पढ़ सकते हो अन्य मजेदार किस्से तो आप पढ़ लेना। अब देखिए ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं, आपको अपनी कॉपी में मुहावरों तक प्रश्न लिखना है यानी इसके उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद दो गद्यों का बोझ एक कहानी दे रखी है जो हम सिर्फ पढ़ने के लिए, इसे सवाल नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए दी गई है, तो ये हम कहानी जो है अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम दो गद्यों का बोझ ये कहानी पढ़ेंगे। ये जो कहानी वो एक अकबर और बीरबल के बीच की कहानी है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने पाठ के आधार पर बताना था कि कौन कैसा था, अम्मी के बारे में बताना था, शेख चिल्ली के बारे में बताना था और सेठ के बारे में बताना था। तो हमने क्या लिखा अम्मी के बारे में कि वे बहुत ही सरल और नम्र स्वभाव की महिला थी, वे प्रत्येक बात बड़ी शांति से शेख चिल्ली को समझाती थी। फिर शेख चिल्ली का कैसा था, वह मेहनत से तो नहीं घबराता था परंतु उसे ढंग से कोई काम करना नहीं आता था, वह ख्याली पुलाव बहुत पकाता था। उसके बाद सेठ के बारे में हमने क्या लिखा, सेठ कैसा था, सेठ समझदार और धनवान व्यक्ति था परंतु बहुत बूढ़ा था और सबको नेक सलाह देता था। उसके बाद हमने प्रश्न किया था कि दिए गए वाक्य में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटो। शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था, तो उसकी संज्ञा लिखी शेख चिल्ली और सपने, क्रिया लिखी देखता था। उसके बाद ख प्रश्न था शेख चिल्ली सेठ के पीछे चलने लगा, तो इसमें हमने लिखा शेख चिल्ली और सेठ, संज्ञा ये लिखी क्रिया लिखी चलने लगा। उसके बाद घ था अंडे जमीन पर गिर गए, इसका उत्तर हमने लिखा अंडे जमीन, और संज्ञा में लिखा अंडे जमीन और क्रिया लिखी गिर गए। उसके बाद घ था मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा, इसका उत्तर हमने लिखा हाथी धन और क्रिया लिखी कमाऊंगा। उसके बाद प्रश्न दो था समान अर्थ वाले शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। तो अम्मी, अम्मी का अर्थ होता है माँ, इंसान का अर्थ होता है मनुष्य, मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम और दुनिया का अर्थ होता है संसार। फिर प्रश्न तीन किया हमने कि दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर जो है हमें वाक्य बनाने थे। तो पहला जो था ख्याली पुला पकाना जिसका अर्थ था खाली बैठे सोचते रहना। वाक्य प्रयोग हमने किया था कि रमेश कुछ काम तो करता नहीं बस अमीर बनने का ख्याली पुलाव पकाता रहता है। उसके बाद ख प्रश्न था, ख मुहावरा था कि कलेजा मुंह को आना यानी कि अत्यधिक दुखी होना, तो इसका उत्तर हमने लिखा यानी वाक्य प्रयोग किस तरह से किया कि भीषण दुर्घटना में शक विशत घायलों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। और घ हमसे पूछा गया था आग बबूला होना, तो इसका उत्तर हमने लिखा था, इसका अर्थ लिखा अचानक गुस्से में भर जाना, इसका अर्थ हमने लिखा गुस्से से भर जाना। और वाक्य प्रयोग किया कि बेटे की परीक्षा का खराब परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। तो ये प्रश्न पार्ट तीन शेख चिल्ली का सपना के जो है प्रश्न उत्तर पूरे हो चुके हैं और आपको अपनी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर करने हैं। अगर आप अपना काम पूरा कर लेते हो हिंदी में तो आपको क्या करना है, स्कूल में अपनी कॉपी जांचने के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीन दिन जो है आपकी कॉपी चेक करने के लिए निर्धारित किए गए, यानी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, इन तीन दिनों में आप अपनी जो है कॉपी चेक करने के लिए स्कूल में दे सकते हो ताकि आपकी कॉपी जो है वो अच्छे से चेक हो जाए। जो आपने काम किया है अगर कुछ गलती रह गई है तो वो मैम आपको चेक करके दिखा देगी, यानी मैं आपको चेक करके दिखा दूंगी। तो अगर आपने काम कर लिया है तो अपने पेरेंट्स के साथ आप सोमवार से लेकर बुधवार तक अपनी कॉपी जो है स्कूल में अवश्य भेजें ताकि आपकी जो कॉपी है वो चेक हो सके। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम कहानी पढ़ेंगे दो गधों का बोझ। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।